तोरा मालूम ही अमीर गरीब के प्रेम देखले हो हम, मतलब जातिवादी प्रेम देखले हो हम, मतलब प्रेमों में प्रेम देखले हो हम। लेकिन आज हम बात कर रहे बने एगो फिल्म्स के नाम बाटे, जौन फिल्म्स के नाम बाटे अछूत प्रेम, जो हमारी स्क्रीन पर देख रहे बने। अछूत प्रेम के ट्रेलर रिलीज हो गए बाटे, ए फिल्म्स के रिव्यू करके बताएं कि आखिर ये फिल्म्स कैसन भी है। हाँ, ए ट्रेलर फिल्म्स के कैसन भी है और फिल्म्स कैसन भी है, बस वीडियो अंत तक देखी और चैनल पर नया बने तो सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन घंटी भी जरूर दबाई, बाकी संगे मित्र संगे भी शेयर कर दी। चलिए अब हम वीडियो चालू करल बने, जो फिल्म्स के नाम बा अछूत प्रेम, एक रिव्यू अगर देख लेते हैं। फिल्म्स की कहानी चालू होत भी है कि कौन बड़ घर के लैका रहता है। हाँ, अब देखिए मैं जात के नाम बस नहीं कहते, बस हम यहीं से बता देते हैं। कौन बड़ घर के लैका रहता है, बाहर ओर पड़ता है जवान, आ जाते रहन घरे। अब आ जाते रहन घरे तो भाई गाँव जवार घूमे लगते रहन, एक दिन चल जाते रहन नदी में नहाए, एक दिन नदी में नहाए जाते रहन, वो जगह डूबे लगते रहन। कोनो छोट जात के लड़की रहती है, वो जगह में मतलब कपड़ा उपड़ा धोबे आई रहती है, चाहे घूमे आई रहती है, वो इनका रखे बचा लेती है। अब बचा लेती है तो जानते हैं बड़ा हिंदुस्तानी फिल्म्स में अक्सर होला कि जब भी केहू केहू के बचावेला तो प्यार हो जाला, ते में लड़की जब लड़के के बचावती है तो लड़का के लड़की से प्यार होता है। अब उनका पीछे आई लव यू कह के घूमत रहते रहन, लेकिन लड़की बार बार टरकावत रहती है। लेकिन अब करो तो का प्यार तो कबो ऊँच नीचा चाहे जात के देख के होला ना, अब प्यार वो भी कर बैठती है। अब वो कैला के बाद अब जब भाई आवार जवार गाँव जाना तटे तो बहुत थुथु होता टे कि फलानवा के बेटा फलानिया से प्यार कर लो। अब ओकरा घर के भी लोग मतलब लड़का वाला के घर के भी लोग लड़की वाला के जाके धमकावत भी बड़न, लोग ओकरे के मतलब घर से निकालत भी बड़न। ये सब सारा चीज़ प्रक्रिया चल रहा भी है, मतलब देख के छोट और बड़ जात के बीच में बहुत से मतभेद के दूर करे के कोशिश कर गई बा, लेकिन ये दूर ना वैसे दो कदम और ही बढ़ते बाटे। फाइनली बताओ तुम्हें कहीं कुछ संवाद के भी अलग अलग टाइप से मिस यूज कर गई बाटे। अगर देखल जाओ तो ये फिल्म्स मतलब समाज के ऊपर बनावे कोशिश कर गई बटे, एग्जैक्टली उतना बनने के बाद फाइनली एक पूरा टीम ही नया भी है, पूरा टीम ही मिल के ए फिल्म्स के बनाई ले भी है। अगर ये फिल्म्स में अगर हमने के देखल जाए गीत संगीत के बारे में, तो गीत संगीत एगो गाना ठीक ठाक लागत बटे, बाकी कुछ खास नहीं है। अगर बात कर ली एक्टिंग के तो एक्टर सब लोग अभी आधा अधूरा बटे। अगर इन लोग और ही एक्टिंग पर अगर काम करिए जाए और ही तो ये फिल्म्स और ही बेटर हो सकत रही है, काहे कि आजकल जात के सद्भावना बहुत ज़्यादा चलत भी बाटे। फाइनली ये फिल्म्स के अगर देखी तो जे भी स्टार कास्ट में बाटे, आशीष पांडे, प्रेम शंकर उपाध्याय, गौरव पांडे, सूरज मधेसिया या राहुल यादव, विजय एयरटेल, विवेक यादव, सारा लोग अभी एक्टिंग पर अगर मेहनत करी तो और ज़्यादा सफल हो। दरअसल ये फिल्म्स के निर्माता भी एक्टर बनी, ये फिल्म्स के निर्देशक भी एक्टर बनी, यानी ये फिल्म से वो काम चलाऊ भी है। ये फिल्म्स पर अगर देखा जाए तो उतना विशेष फोकस करे लायक नहीं है, फिर भी मेहनत करत रह जा, अगर और ज़्यादा मेहनत करें जा तो और ज़्यादा ये फिल्म्स बेटर बन सकत रही है। दरअसल ये फिल्म्स की अगर मेकिंग देखी तो मेकिंग एकदम से औसत दर्जा के भी है। फिलहाल के समय के हिसाब से ना ये फिल्म्स के कास्ट्यूम दिख रहा बटे, ना ए फिल्म्स के मतलब ए फिल्म्स में अगर देखा जाए तो ना मेकिंग दिख रहा बटे, ना उस तरह के स्टार में जज्बा और कंपटीशन के माहौल दिख रहा बटे। पानी रहूँ लोगों के आखिर एक रिव्यू कैसा लागल जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और देखते रहें न्यूज़ तक भोजपुरी। बाकी हम जीत सलाम।